3D में हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं आर्मी मिलिट्री, जिसके लिए हम लोग बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग और टेस्ट देने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग एक टॉप सीक्रेट मिशन पे जाने वाले हैं जिसमें हमें गॉडज़िला के अंडों को ढूंढना है। तो ये है पार्ट 2। आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे हम लोग पुलिस वाले बन जाते हैं। हम लोग को एक पुलिस वाला मिलता है जो कि एक चोर को पकड़ रहा होता है जो कि शहर में बिल्कुल नया होता है। तो हम लोग उसे अपने घर ले जाते हैं और भैला फुसला के उसको बेहोश कर देते हैं, और उसकी जगह चले जाते हैं पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर हमारी नौकरी लग जाती है एज अ पुलिस ऑफिसर। उसके बाद हम लोग बहुत सारे चोरों को पकड़ते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा प्रमोशन होने वाला रहता है उस दिन ही ये पुलिस वाला, जिसका नाम रजत है, वो आ जाता है पुलिस स्टेशन में। तो अगर आपको पहले पार्ट 1 देखना है तो उसकी वीडियो आई बटन पे आ रही होगी या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। चालू करते हैं हम लोग पार्ट 2 को। अरे छोड़ दो सर, सॉरी, अरे माफ़ कर दो यार, गलती हो गई, मैं तो अच्छे से नौकरी कर रहा था अपनी। यार इन सब ने मुझे घेर लिया, ये रजत ने मुझे फंसा दिया है बहुत गंदा, इसने आके मेरी पोल पट्टी खोल दी है और अब ये सब मिलके मुझे मार रहे हैं। इतना बड़ा जुर्म कर दिया क्या मैंने? मुझे जेल में ही डाल दिया यार, और वो रजत यार दूसरे थाने में शिफ्ट हो गया। भाई आया क्यों यहाँ पे यार, दूसरे थाने चले जाता, मैं अच्छा खासा नौकरी कर तो रहा था, फालतू में फंसा दिया इस जेल के। अरे ये क्या, अरे भाई ज़मीन क्यों हिल रही है? अरे सर आप लोग को ज़मीन हिलते हुए दिखाई नहीं दे रही क्या? अबे क्या हो रहा है ये यार, अबे क्या हो रहा है अब हमारे शहर में भूकंप आ रहा है क्या? अबे बाहर भेज दो हमें भाई। एक सेकेंड, वो दूर क्या है? अरे सर वो क्या आ रहा है दूर से? अबे ये तो गॉडज़िला है, शहर में गॉडज़िला हमारे स्टेशन की तरफ ही आ रहा है। अबे क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग, हम दोनों को तो छोड़ दो, बाकी सब तो भाग गए भाई, हमारे ऊपर चढ़ के नहीं चल जाए वो दोनों। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं यार। अरे हेलो सर, इधर सुनो, मेरे पास एक प्लान है। देखो अगर आप उस पर गोली चलाने की सोच रहे हो ना, तो गलती से भी ये मत करना, वो गॉडज़िला है ठीक है, आपके चाचा का लड़का नहीं है जो आके वो आपसे बातें करेगा, वो सीधा आके अटैक करेगा, इसलिए ये मत करना। अपन उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि वो रास्ता बदल दे। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, वो आप लोग करो, जल्दी से एक कैनन लेके आओ। आ रहा है वो, पास आ रहा है, आन दो थोड़ा, बस चला दो चला दो। हाँ बहुत बढ़िया, वो देखो मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, वो कैनन की तरफ मुड़ चुका है, एक और चलाओ। हाँ अब ठीक है, वो गया। तो हम लोगों ने यार भगा दिया है उस गॉडज़िला को, दूसरी तरफ मोड़ दिया है, अभी के लिए तो हम लोग सेफ है। और ये सारे पुलिस वाले मिलके मेरी तारीफ कर रहे हैं, वैसे एक दिन पहले मैं भी पुलिस वाला था बट अब नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने बोला है कि मुझे कल स्टेशन आना है, इनके किसी बड़े ऑफिसर है जिनको मुझसे बात करनी है कल। चलो यार मेरा दिमाग किसी काम तो आया, एक तो हम लोग बच भी गए और ऊपर से मैं थाने से छूट भी गया, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा यार, अब चलता हूँ। इन लोगों ने कल बोला है मुझे आने के लिए, कहीं कल मुझे फिर से जेल में पटक नहीं दे यार, देख के आऊँगा थोड़ा। ठीक है तो 11 बज चुके हैं, इन लोगों ने बोला था कि 11 बजे आ जाना, इनके किसी बड़े अफसर ने मुझे बुलाया है, या तो मुझे अवार्ड तो नहीं मिल रहा कि मैंने गॉडज़िला को भगा दिया, क्योंकि कल जब हमने उसे भगाया था ना उसके बाद वो शहर से ही बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ से आया था लेकिन वो चला गया यार, मतलब बिना तोड़फोड़ करे हमने गॉडज़िला को हमारे शहर से भगा दिया है, तो हो सकता है उस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड मिले। अरे बेटा बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने, मैंने तो सुना कि तुम 2 दिन के लिए पुलिस अफसर भी थे। वाह यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है, तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, तुमने वो खूबी है, बस तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक फिजिकल टेस्ट दे चुके हो बट एक और टेस्ट है, अगर तुमने वो कर लिया ना तो तुम्हारी नौकरी आर्मी में पक्की। ठीक है तो मुझे कल आर्मी ज्वाइनिंग का टेस्ट देना है, तो इसके लिए मैं कल आऊँगा। इन लोगों ने बोला है कि मेरे घर पे ही एक सेटअप लगेगा जो कि मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे आर्मी में ज्वाइनिंग करनी है तो, और सेटअप तैयार है, मुझे अब ये पूरा जो सेटअप है ये कंप्लीट करना है एज अ टेस्ट, और आज मुझे बाइक से करना है क्योंकि इन लोगों ने मेरी फिजिकल ट्रेनिंग तो देख ही चुकी है, अब मुझे ये वाला चैलेंज कंप्लीट करके इनको दिखाना है कि भाई मैं गाड़ी भी अच्छे से चला सकता हूँ। तो चलो फिर इनको टेस्ट कंप्लीट करके दिखाता हूँ और आर्मी ज्वाइन करते हैं। अभी ये चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ ऐसे पहले भी, ये रैम्स के ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना इसका मुझे आइडिया है, लेकिन आगे जो पंखे घूम रहे हैं ना ये अभी तक मैंने उतना किया नहीं है, तो मैं इसमें कच्चा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या है। अरे अच्छा ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। अरे भाई
अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी ये फिर से ऊपर आएगा, यहाँ से निकल गए। अब मैं आ चुका हूँ अगले पड़ाव पे। यहाँ से ऊपर चढ़ना है क्या? मुझे लगा गैप है। गैप नहीं है, यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे और आगे फिर से एक जंप लगानी पड़ेगी शायद। मुझे लग रहा है बीच में थोड़ा गैप होगा, थोड़ी दूर कर लेता हूँ यार, ज़्यादा तेज़ हो गई। रुक जो पंखा भाई, यहाँ से देख के जाना पड़ेगा। इधर दो चीज़ें, गड्ढे भी हैं और पंखा भी है। गड्ढे में गिरा तो भी नीचे, पंखे से टकरा तो भी नीचे। पंखा जब निकल रहा है तब इसके बीच में से निकल जाओ। दो पंखे और हैं, ये भी कर दिया भाई। ये गड्ढा थोड़ा बड़ा था, चलो ये कर दिया। यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये पंखे बहुत तेज़ नहीं घूम रहे शायद से, या फिर उतनी स्पीड में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई। डस्टबिन की तरफ आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पतली सी क्या लकड़ी लगाइए, इसको पार करना है। अरे यार नहीं, अरे नहीं, बाइक अटक गई यार। फिर से आया हूँ भाई मैं, मतलब पूरा स्टार्टिंग से करके आया हूँ, क्योंकि मेरी बाइक अटक चुकी थी। इन लोगों ने बोला है कि ट्राई मैं कितना भी ले सकता हूँ, बस मुझे ये टेस्ट जो है ये कंप्लीट करना है। पिछली बार यहीं अटका था मैं, इस बार अच्छे से, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल। अरे 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 भाई, ये टायर वापस मुझे लग रहा है गिरने वाला है। इस बार तेज़ी से निकालनी पड़ेगी लग रहा है मुझे, वरना मैं नीचे गिरूंगा। ओके समझ गया, अरे बच गया। मुझे लगा था टायर नीचे चला गया, लेकिन बच गया मैं। चलो ये तो कर दिया मैंने, आगे देखते हैं अब क्या है। आगे फिर से पंखा, लेकिन इस बार लेटा हुआ है ज़मीन पे। हेलमेट पहन लिया है मैंने, मुझे लग रहा है कि सेफ नहीं है ये। ये पंखा जब निकल जा रहा है तब मुझे निकलना है, ठीक है, समझ गया इतना तो। और फिर मुझे, अबे रुक जा, अरे चलान दे, अरे नहीं गया, अरे यार वो बच गया। पंखे पे गाड़ी चढ़ गई थी मेरी, बच गया। रुको भाई, अबे ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे आगे जाना है, इसके ऊपर नहीं चढ़ना है। ये गाड़ी मुड़ क्यों नहीं रही भाई, पहले तो इसकी बिजली बंद कराओ। रुक जाओ, हो गया, आ गया। अगला, ये आगे क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे भाई। ये पेड़ क्यों उगा दी यहाँ? आगे रास्ता है कि नहीं है? अच्छा रास्ता बगल वाले में, मैं वही सोचूं भाई इतनी दूर जाएगी कैसे बाइक, शायद यहाँ से ये रास्ता। ओके ये वाला है ना, ठीक है चलो इस पे चढ़ाते हैं भाई। यहाँ पे इतने पौधे क्यों लगा दिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को तो। आगे पंखे के आगे जंप है कि क्या है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शायद कुछ नहीं है यार, ओके कुछ नहीं है, ये तो सीधे आ जाएंगे। ओके कर लिया। चलो ये करते हैं, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी ज़मीनें हैं लेकिन मैं कर दूँगा। फिर आगे ये पंखे हैं, उसके बाद भाई मुझे बिल्डिंग पे चढ़ानी है गाड़ी। इस साइड से नहीं जाना ना, एक बार कंफर्म कर लूँ मैं, यहीं से जाना लग रहा है। ठीक है यहाँ से चढ़ाते हैं तो फिर बाइक को। पहली बार मैं किसी टेढ़ी बिल्डिंग पे बाइक चला रहा हूँ भाई, कुछ भी हो रहा है आज तो, बहुत ख़तरनाक ही टेस्ट है ये। अब यहाँ पे फिर से पेड़ लगा दिया, यहाँ रास्ता है कि नहीं? अच्छा है, मुझे दिखा ही नहीं था, अभी मैं नीचे कूद जाता। चलो यहाँ पे जंप होगी शायद से, उसके बाद पंखे को भी क्रॉस करना है, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं। बच गया यार, आज किस्मत अच्छी है, बहुत बार नीचे गिरने से बच गया हूँ मैं। और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है, बस मुझे उस एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचना है और मेरा टेस्ट कंप्लीट। ये मेरी बाइक कैसी टेढ़ी जा रही है भाई, थोड़ा सीधे हो जा। बस अब क्या है, ये यहाँ पे जंप है कि कुछ भी नहीं है? अच्छा कुछ भी नहीं, ये फालतू ही लगा के रखा है। ये पंखा और बचा है, और आगे पेड़ वेड़ है, गड्ढा तो नहीं है ना भाई बीच में? देख के जाना पड़ेगा, अचानक से गड्ढा नहीं आ जाए। यहाँ डस्टबिन है कुछ, चलो ये भी कर दिया। ओके हो गया है भाई, थोड़ा सा बचा है, बस हो गया, ये लास्ट हमारा बचा है। यहाँ पे गड्ढा तो नहीं, एक बार देख लूँ। नहीं, सीधा रास्ता है भाई, मैंने कंप्लीट कर दिया। पुलिस छोड़ो, मैंने आर्मी का टेस्ट कंप्लीट कर दिया है, और इसी के साथ मैं आर्मी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। यार कैसी लग रही है मेरी आर्मी की ड्रेस, यार मज़ा आ गया भाई। पुलिस नहीं, सीधा आर्मी, अब सीधे बड़े मिशंस करेंगे हम लोग। लेकिन आर्मी का भी मैंने सिर्फ टेस्ट दिया है, अभी हम लोग को अगले एक हफ्ते तक आर्मी ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि आर्मी वाली जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहती है। क्या टफ ट्रेनिंग है भाई, आज हमारा एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, और कल से मैं मिशंस पे जाऊंगा। क्या वो गॉडजिला अंडे दे के चला गया? अरे नहीं यार, आज मालूम चल रहा है कि वो जो गॉडजिला था ना, वो गया तो शहर से, लेकिन जाते जाते अंडे दे के चला गया भाई, और दो अंडे। और हमारे शहर के साइंटिस्ट का प्रिडिक्शन है कि आज वो अंडे में से छोटे डायनासोर्स या गॉडजिला हैच हो सकते हैं।
तो हम लोग को रात होने से पहले उन अंडों को ढूंढ के उनको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके लिए मुझे जाना है मिशन पे। दोनों की लोकेशन तो मुझे भेज दी है, तो चलते हैं जल्दी से। लेकिन उनको सिर्फ हमें स्टिकी बॉम्ब से ही फोड़ना है। अगर किसी और एक्सटर्नल फोर्स से वो टूटते हैं तो हो सकता है कि वो मिनी गॉडजिला पार आ जाए। भाई अगर गलती से ट्रेन अबे ट्रेन तो निकल गई। अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये ट्रेन वहाँ पहुँचे उससे पहले मुझे उस अंडे को जाके फोड़ना पड़ेगा। गलती से भी ये ट्रेन उस अंडे पे चढ़ गई ना तो वो फूट जाएगा और वो गॉडजिला बाहर आ जाएगा। भाई नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे स्पीड बढ़ानी होगी, इस ट्रेन से पहले मुझे उस अंडे तक पहुँचना है। चलो 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 चलो, ज़्यादा टाइम है ही अपने पास, ट्रेन फुल स्पीड में आ रही है, वो अंडा यहीं कहीं होना चाहिए, न्यूज़ में तो यही दिखाया था। मुझे अंडा मिल चुका है, मैंने इस पर स्टिकी बॉम्ब लगा दिया है और इसको ब्लास्ट कर दिया है। एक अंडा गया, एक अंडा तो ब्लास्ट कर दिया है। देखो ट्रेन अब जा रही है, मैंने बहुत जल्दी काम किया है। अगला देखते हैं, अगला अंडा जो है ना वो भाई जुरासिक पार्क के अंदर है और गलती से डायनासोरस को उसकी सुगंध आ गई और उसके पास चले गए तो भाई वो उसको फोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वैसे मिनी डायनासोर तो हमारे यहाँ भी है भाई, लेकिन क्या पता इसमें से जो निकले वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो, इसलिए मुझे उसको ढूंढ के जल्दी से फोड़ देना चाहिए। ओके ये अंडा भी मुझे मिल चुका है, मैंने इस पर स्टिकी बॉम्ब लगा दिया है और इसको भी फोड़ दिया है। फाइनली हम लोग सेफ हैं। जाके अब मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट देता हूँ। मुझे तो लग रहा है भाई आज पहले ही दिन मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैंने इतना बड़ा काम किया है। अरे एक दिक्कत हो गई है, अभी हमारे ऑफिसर्स ने पता लगाया है कि आसपास एक और अंडा है और वो बस आधे घंटे में फूटने वाला है। उससे पहले तुम्हें पहुंच के उस अंडे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें सप्लाई दे रहा हूँ एक हेलीकॉप्टर का। ऊपर से देखो जल्दी से वो अंडा कहाँ है और जल्दी से उसको फोड़ो जाके, जाओ जल्दी। अबे यार ये कहाँ फंसा दिया, वो अंडा कहाँ मिलेगा मुझे? मुझे बोला गया है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है जहाँ पे मेरा वेट कर रहा है आर्मी हेलीकॉप्टर, और उससे मुझे जाके ढूंढना है वो अंडे को। चलो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैंने बैग में पैराशूट भी भर लिया है क्योंकि मुझे ऊपर से जंप मारनी है। आर्मी हेलीकॉप्टर भी तैयार है, हमारा पायलट भी यहीं पे। अरे भाई आर्मी इतना मुश्किल होता है क्या? मैं हवा में आसमान की ऊंचाइयों में हूँ भाई, मैं आसपास छोड़ो मैं नीचे नहीं देख पा रहा, मुझे इतना डर लग रहा है। लेकिन करना तो पड़ेगा इस शहर को बचाने के लिए। कहाँ है वो अंडा यार? दिख ही नहीं रहा, इस साइड भी नहीं है ना ही इस साइड है, सामने। ओ दिख गया, अभी ये क्या हो रहा है? इसमें से तो कुछ बाहर आने वाला है। अरे यार मुझे जल्दी पहुंचना होगा। अरे पायलट जल्दी लो वहाँ पे, वो शायद से अंडा हैच होने वाला है मुझे लग रहा है। ओके तो मुझे अब जंप मारनी होगी, पैराशूट खुल गया भाई, एक बार में खुल गया मैंने। चलो चलो जल्दी उस अंडे के पास पहुँचता हूँ, उसको मुझे जल्दी डिस्ट्रॉय करना ही होगा। है ये क्या हुआ, अभी अंडा तो ऑलरेडी टूटा पड़ा है, ये कब हुआ? मतलब कि वो बाहर निकल